अक्सर प्यार में धोखा खाने से दिल टूटने वाली बात तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल टूटने की बीमारी भी होती है? जी हाँ, इस बीमारी में हार्ट ब्रेक होता है और इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। हार्ट काफी नाजुक अंग है, कोई भी चोट पहुंचने पर हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है और गंभीर समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए तो एक्सपर्ट हमेशा हार्ट को स्वस्थ रखने की सलाह देते हैं। ऐसे कई कारण हैं जो हार्ट को कमजोर कर सकते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी डाइट का ज्यादा सेवन, और साथ ही एक्सरसाइज ना शामिल करना है। कई ऐसे कारण भी हैं जिन पर आपका वश नहीं होता है, जिसमें गुस्सा, डर या किसी तरह का शक शामिल है। इन सभी से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ जाता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक से इमोशनल स्ट्रेस, सदमा या फिर डर का अनुभव होता है तो उसके हार्ट मसल्स कमजोर हो जाते हैं और हार्ट की नसों पर अधिक दबाव आने लगता है। अधिक दबाव आने के कारण नसें कमजोर हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने किसी खास को खो देता है तो उस समय उसे जो दर्द महसूस होता है वो भावनात्मक रूप से खतरनाक हो सकता है और उससे इंसान की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई अधिक उदास रहता है तो उससे भी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का जोखिम हो सकता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन के बढ़ने के कारण हो सकता है। जानकारों का अनुमान है कि एड्रेनालिन हार्ट की आर्टरीज को इतना सिकोड़ देता है कि वे मांसपेशियों में पर्याप्त खून नहीं भेज पाता। इससे शरीर में एक साइकोलॉजिकल तनाव पैदा होता है और हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक एड्रेनालिन सीधे हार्ट कोशिकाओं से जुड़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में कैल्शियम हार्ट की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। अधिक कैल्शियम पहुंचने से हृदय कोशिकाएं अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। ऐसा लगता है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में हार्ट पर एड्रेनालिन का प्रभाव अस्थायी होता है। हालांकि इस कंडीशन में हार्ट कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते में वापस से ठीक हो जाता है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथिक या फिर तकोत्सुबो सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अचानक से स्ट्रेस में आ जाता है। इसके लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकते हैं, जैसे छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, पसीना आना, चक्कर आना आदि। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की बात करें तो ये तब हो सकता है जब लंबे समय से आप अपने साथ रह रहे किसी अपने या फिर पार्टनर को खो देते हैं। वही हेल्थ साइट के मुताबिक कोई बड़ा रिलेशन टूटना, पैसे संबंधित समस्या, नौकरी छूटना या घरेलू हिंसा के कारण ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। ये उन स्थितियों में भी हो सकती है जिसके कारण आपको बेहद चिंता होती है, जैसे सरप्राइज पार्टी या फिर किसी तरह का शॉक मिलना। इससे बचे रहने के लिए ध्यान रखें, कभी भी किसी भावनात्मक कमजोर व्यक्ति को कोई भी खबर अचानक सुना दे, चाहे वो अच्छी खबर हो या फिर बुरी। For more interesting videos, keep watching Voice of Bharat.